एटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जनपद में रोड पर पसरा गंदा पानी, टूटा हुआ संपर्क मार्ग व पुल, अधूरी इंटरलॉकिंग, टूटा और अधूरा खड़ंजा और नाले विहीन गाँव, यह सारी चीजें मिलेंगी आपको सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक के अंतर्गत। आने वाली ग्राम पंचायत कानधारी के राजस्व ग्राम निजामाबाद में आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं पाने से वंचित है। जहां पर गंदे पानी की निकासी न होने पर सड़क में पसरे पानी में चलने को विवश है, वही जमे पानी में बदबू और विषाणु के होने से बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। पूरे गांव में कभी भी गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं है। ग्रामीण का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। ग्राम के दलितों के घर सिर्फ टिनसेट के बने हैं। दलित महिला पानी ने आरोप लगाया कि हमारा आवास बनने की लिस्ट में नाम था मगर हमारा नाम कटवा दिया गया। वही दलित टोले से अवधेश कुमार ने बताया कि आवास के लिए बार बार घर पर आकर सर्वे करते तो है मगर हाथ लगती है सिर्फ निराशा और आश्वासन। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आप ही के ब्लॉक में एक गाँव पड़ता है निजामाबाद, जिसके बारे में वहाँ पे हमने जब जाकर देखा है तो गांव वालों का भी आरोप है कि जब से गांव बसा है तब से एक भी नाली वहां बनी नहीं है। तो विकास क्या कागजों में हुआ, इसके बारे में आपका क्या? देखिए वहां प्रधान जी बहुत अच्छा काम करा है। अभी स्कूल में काम देखे थे, स्कूल का काम कायाकल्प का काम बहुत अच्छा हुआ है और कच्चे काम दो तीन हम देखे सड़क बन रही थी। नाली के लिए हमें जानकारी नहीं है, नाली जहाँ हो सकता है प्रधान बनाए पूरे इसको देख लेते हैं। इसके बाद कोई शिकायत हमें आज तक मिली नहीं उस गांव से। पूरे गांव में एक भी नाली नहीं, हर आदमी अपने घर के सामने अपना गंदा पानी जमा करता है फिर बाल्टी से भर करके कुछ दूर पे नहर पे ले जाता है और वहीं पे दलित टोले में जो संपर्क मार्ग है वो टूटा हुआ है। आज तक उसका पुल का जो टूटा हुआ है मरम्मत नहीं की बरसों से, आप इसके बारे में क्या? देखिए मुझे कोई शिकायत मिली नहीं उस ग्राम पंचायत से और राजवित के पैसे से पूरा विकास कार्य हो रहा है बिना। अब हम इसको जाकर देख करके देख लेते हैं, इस कोई समस्या है नहीं, मुझे कोई शिकायत आज तक नहीं। पहली बार आपके माध्यम से मिल रहा है, कल सुबह मैं 10 बजे जाकर के सर्वेक्षण कर लेता हूँ, जो कमियाँ होंगी पूरी कराई जाएंगी। जबकि गाँव में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की बैठक होती, क्या उसमें भी दिखाई नहीं दी? बाकायदे प्रस्ताव बना हुआ है, गांव पंचायत में सब काम डाले गए हैं, कार्य योजना में काम कराए गए हैं। कम से कम 35 लाख का काम मेरे द्वारा कराया गया है निजामाबाद में। हाँ, पूरी ग्राम पंचायत में कानधारी ग्राम पंचायत है, निजामाबाद राजस्व गाँव है, निजामाबाद की पूरे हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मगर हम वहाँ इस गांव में तो ऐसा विकास का काम कोई नहीं, जबकि वहाँ के आदमी लोग दलितों का कहना है कि बार बार सर्वे होता है मगर हमें मकान विकास खंड पर डे में 10 से 12 बैठता हूँ। इस ग्राम पंचायत से कोई शिकायत कभी विकास खंड आई नहीं है, हमारे मुलाकाती रजिस्टर में कोई दर्ज कोई शिकायत समाधान हुआ है, लेकिन इस ग्राम पंचायत से कोई शिकायत नहीं आई। बार बार वहाँ सर्वे होता है, उन लोग को किसी को भी मकान क्यों नहीं अलाट होते? मकान वहाँ मिल रहा है, अभी प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, किसको पात्रता सबको मिला हुआ है, मगर उस गांव में तो एक भी पात्र आदमी का कहीं बना नहीं। नहीं, अगर पात्र होंगे तो नहीं मिलेगा, पात्र नहीं मिल रहा। नाम क्या आपका? गीता देवी। गांव कौन सा आपका? निजामाबाद। परेशानी क्या है आपको? परेशानी है, नल का पानी बाहर नहीं जाता, हम सब बाल्टी से लेकर दूर फेंकते हैं। अच्छा, तो पानी आपका कहाँ, यही जमा होता है क्या? यही जमा होता है। तो आपने यहाँ से ग्राम प्रधान से कहा नाली के लिए? प्रधान कई बार है, फोटो वोटो लेकर गए मगर नाली नहीं बना। क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे नाली बनेगा, बनवा नहीं रहे हैं। आप लोग की ये स्थिति कब से है? बहुत दिन से है, कभी इस गांव में नाली बना ही नहीं। यानी कभी नाली बना ही नहीं, नहीं तो फिर आप लोग के लिए नहाने धोने के लिए पानी कैसे जाता है आपके पास? हम सब इधर नहीं नहाते, खेत में जाते हैं, नहाते हैं दूर। आवास के लिए आपने आवेदन भी नहीं किया? हमारे इनके आवास के नाम में बहुत आवत है लेकिन काबले दियत नहीं है, कटाई दियत है गाँव लोग। आप किस जात से हैं? हरजन। हरजन है आप लोग? कोरी से। अच्छा, तो आपने कहा यहाँ के प्रधान से कहा कि आवास के लिए? हमारे आवास प्रधान के लिए काबले भेजा गया, अगर प्रधान आवास आवा कीन और गांव का आदमी लोग मिलकर कटाई दिए। आपका नाम? गुरमिला। किस गांव से आप हैं? निजामाबाद। अच्छा बताइए आपकी परेशानी क्या है? परेशानी पानी जाए रास्ता ना है, ये पानी बरसा तो कहीं भरा रहता है, अब अनेक जगह पानी जाता है। अच्छा, तो जो आपका नल है इसका पानी कहाँ जाता है?
अनेक जगह में जात हमें जगह ये नहीं जग तो कहाँ गिराई। तो इसके लिए आपने ग्राम प्रधान से नहीं कहा कि हमें नाली बना के दो? चक्कर कहना कुछ काने नहीं करते तब का कहे, क्या जवाब उनका है? कहते कि कहूँ रास्ते में नहीं पानी कहाँ गिरे। अच्छा, सफाई कर्मी कभी आता क्योंकि गंदगी यहाँ बहुत ज्यादा है? आपको बाजी ना आया है, सफाई कर्मी नहीं आते। आपका नाम? नसरुद्दीन। ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है? ग्राम पंचायत कारभारी है शायद। इस गांव ग्राम का नाम क्या है? ये निजामाबाद है। ये आपके दरवाजा है कि ऊपर पानी क्यों भरा हुआ है? ये नलिया का पानी है। नाली का पानी है? हाँ। तो क्यों भरा हुआ है? अभी बनता ना है तो भरी नहीं, पानी निकास कहीं है नहीं तो कभी नहीं बनी। तो आपने ग्राम प्रधान से इसकी निकासी के लिए बात नहीं की? क्या कहा बनेगा बनेगा, अभी तक नहीं बना। कितने दिनों से ये नाली ऐसे है? ऐसे पहले तो 10 साल से है, लेकिन फिलहाल 2 साल से भी ऐसा हुआ है। तो 10 साल पहले पानी कहाँ जाता था? सब ऐसे रोड पे ऐसे गिरता था, अब ये सब बन गया, अब इसकी वजह से तकलीफ और हो गई।